यह है स्मार्टफोन, यह है चार्जर और यह है आलू। डाटा केबल को लगाए स्मार्टफोन में, देन ये चार्जर को एंटर करेंगे आलू में, होल कर रखे हैं। जैसे हम एंटर करेंगे तो आप दे सकते हैं। दोस्तों, जैसे आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा, पटेटो मींस आलू से मोबाइल को चार्ज करते हुए देखा जा रहा था। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ऐसा भी हो सकता है? दोस्तों, मुझे YouTube पर स्क्रॉल करते हुए मुझे एक वीडियो मिली थी। वहाँ पे एक भाई आलू से मोबाइल को चार्ज करते हुए दिखा रहा था, तो मुझे कुछ अजीब सा लगा। तो मैंने इसको प्रैक्टिकली करके देखा तो रिजल्ट मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंट देखने को मिले। आइए लाइव करके दिखाते हैं कि आलू से स्मार्टफोन को चार्ज किया जा सकता है, कि आलू से स्मार्टफोन चार्ज होता भी है कि नहीं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो में एंड तक बन रहे हैं, बिल्कुल भी स्किप ना करें। ज़्यादा टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, सीधे चलेंगे वीडियो की ओर। दोस्तों, ये रहा हमारा स्मार्टफोन और ये रहा इस स्मार्टफोन का चार्जर और ये रहा आलू। तो लाइव टेस्ट करके देखते हैं कि इस आलू से ये स्मार्टफोन चार्ज होता है क्या नहीं। तो दोस्तों, डायरेक्टली मैं चार्जर को कनेक्ट कर लेता हूँ स्मार्टफोन में। ये मैंने चार्जर लगा दिया। अब उसके बाद मैंने आलू में दो होल कर रखे हैं चार्जर के अकॉर्डिंग, तो मैं इसमें आलू को एंटर करके दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, आलू को इसमें एंटर कर दिया है, आप दे सकते हैं। और स्मार्टफोन में कोई भी ऐसा फ़र्क नहीं पड़ा, कोई चार्जिंग नहीं आ रहा। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप सैम्बल में देखिए, ऊपर कोई चार्जिंग का कोई सैम्बल नहीं आ रहा है। तो मीन्स ये सारी चीज़ें फेक होती हैं, कोई आलू से स्मार्टफोन चार्ज नहीं होता है। बट अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि ये लोग कैसे आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देते हैं, लाइव दिखा देते हैं कि आलू से स्मार्टफोन चार्ज होता भी है। तो मैं वो भी आपको करके दिखा देता हूँ कि कैसे वो करके दिखाते हैं। तो मैं फिर से दोबारा चालू करता हूँ, इसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। तो दोस्तों, अब आप देखिए, जो और वीडियो में आपको आलू से स्मार्टफोन चार्ज करके दिखाया जाता है, तो उसमें वो क्या करते हैं। तो देखिए, ये है डाटा केबल, इसको मैं यहाँ से एंटर कर देता हूँ और फिर मैं इस चार्जर को आलू में फिर से एंटर करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं, ये मैंने किया एंटर, स्मार्टफोन होने लगा चार्ज। तो ये मैंने किया कैसे, अब बात करते हैं उस पर। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये जो इसके लिए वो क्या करते हैं, दो चार्जर को यूज करते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये दूसरा चार्जर है, इसका जो कनेक्टर है वो अलग है, और ये दूसरा चार्जर मैंने ये अपने स्विच में यहाँ से लगा रखा था। तो मैंने दोनों को एक साथ ही एंटर करके दिखा दिया था, जिससे स्मार्टफोन चार्ज हो रहा था। तो दोस्तों, फालतू की चीज़ों में मत पड़ना कि स्मार्टफोन आलू वगैरह से चार्ज नहीं होता है, स्मार्टफोन केवल केवल इलेक्ट्रिसिटी से ही चार्ज होता है। दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि आलू से स्मार्टफोन को चार्ज किया जा सकता है कि नहीं। दोस्तों, टोटल अब टाइम वेस्टिंग है, कभी ट्राई भी मत करना घर पर। और आप हमें थैंक यू भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमने आपका टाइम बचा दिया। नहीं तो आप प्रैक्टिकली करना चाहते तो आपका भी टाइम वेस्ट होता। तो थैंक यू के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर रियल टैक्स रिलेटेड वीडियो मिलती रहती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो मिलती रहती है टैक्स रिलेटेड। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। और दोस्तों, यदि आप ओरिजिनल चार्जर यूज करते हैं तो आपको हमारी ये वाली वीडियो जरूर देखनी चाहिए। और दोस्तों, यदि हम संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर संपर्क कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं कोई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।